dass sie auf dem hölzernen Esel reiten sollte, bis der Tod eintritt. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चाइनीज टॉर्चर चेंबर स्टोरी मूवी को, जो 1994 में आई थी। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस मूवी को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही मेरे द्वारा एक्सप्लेन सभी मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ गुनाहगारों को ब्रूटल पनिशमेंट देते हुए दिखाया जाता है, और ये बहुत डिस्टर्बिंग सीन होता है। इसके बाद सीन कट होकर हमको एक आदमी की चीख सुनाई देती है, और इस आदमी की चीख सुन कुछ लोग उसके रूम में आते हैं, जहां हम उस आदमी की डेड बॉडी को देखते हैं, और ये आदमी सूटाई होता है, और उसके सामने उसकी वाइफ जिसका नाम शॉ होता है, वो बैठी हुई होती है। और अब उन लोगों में से एक आदमी जाकर उसको चेक करता है, और वो आदमी मरा हुआ होता है। इसके बाद सभी का शक शॉ की तरफ जाता है, और वो सभी बोलते हैं, तुमने ही अपनी पति को मारा है। ये सुन वो बोलती है, मैंने इनको नहीं मारा, मैं क्यों इनको मारूंगी। पर अब वो लोग उसको पकड़कर कोर्ट में ले जाते हैं, और उसे कोर्ट के जज के सामने पेश किया जाता है, और इस जज का नाम लाओ शेक तन होता है। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं, जिसका नाम यान होता है। ये लड़का कौन है, ये हमको आगे पता चलेगा। इसके बाद लाओ शेक इस लड़की को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इसके बाद वो लड़की दोबारा यही कहती है, मैंने उन्हें नहीं मारा। ये सुनकर लाओ शेक बोलता है, तुम्हें अपना गुनाह मानने से पहले भी सजा मिलनी चाहिए। और अब वो ऑर्डर देता है, इस लड़की की बैक पर 20 डंडे बरसाए जाए। ये सुन वो लड़की दोबारा बोलती है, नी लोड, मुझे फसाया जा रहा है, मैंने उनका खून नहीं किया है। पर वो लोग उसके बैक को मार मार के लाल कर देते हैं, और ये देख उस लड़के यांग को बहुत दुख होता है। इसके बाद लाओ शेक दोबारा उससे पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा गुनाह कबूल है। पर वो लड़की दोबारा यही बोलती है, मुझे फसाया गया है। इसके बाद लाओ शेक यांग से पूछता है, पर यांग कसम खा के बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने ये खून किया है। इसके बाद लाओ शेक एक आदमी को बुलाता है, जिसके पास यांग की लिखी दवाई का लेटर होता है, जिसको खा करके सूटाई की मौत हुई थी, और ये यांग के खिलाफ सबूत होता है। और अब लाओ शेक बोलता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा शौक के साथ अफेयर है, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम्हें पता है वो शादीशुदा महिला है। ये सुन यांग बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुन लाओ शेक बोलता है, अब मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपना मुंह बंद रखते हो। इसके बाद जज अपने लोगों को यांग को सजा देने को बोलता है। ये सुन वो यांग बोलता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ, साथ ही मैं मैजिस्ट्री का छात्र हूँ, और कानून के अनुसार आप मुझे शारीरिक सजा नहीं सुना सकते हो। हालांकि लाओ शेक उसे सजा देना चाहता था, पर वो अब मजबूर होता है, इसलिए वो अपने आदमियों से बोल यांग को जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद लाओ शेक शॉ से बोलता है, मैं दोबारा पूछता हूँ, तुम्हें अपना गुनाह कबूल है या नहीं। पर वो लड़की दोबारा यही बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुन लाओ शेक बोलता है, अब तुम सब सच बोलोगी। इसके बाद वो शॉ को फिंगर क्लिप नाम की पनिशमेंट देता है, जिसको शॉ सह नहीं पाती और दर्द से तड़पने लगती है। और अब लाओ शेक शॉ से बोलता है, अब बोलो तुम्हारा यो के साथ किया रिश्ता है, और तुम्हारा उसके साथ कितने दिन से अफेयर चल रहा है। ये सुनकर शॉ बोलती है, यांग के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, और मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है। पर लाओ शेक उसकी बात
सुनकर उसे और टॉर्चर करने को बोलता है, पर फिर भी शो यही बोलती है, मेरा और यांग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन लाओ शेक के लोग शो की उंगलियों को नुकीली क्लिप के बीच दबाकर बहुत ही ब्रूटल तरीके से दबाकर उससे सच बुलवाने की कोशिश करते हैं, और जिससे शो की फिंगर खून से लाल हो जाती है, और आखिर में वह बोलती है, ठीक है, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। ये बात सुन लाओ शेक बोलता है, ठीक है तो आप बताओ तुम यांग को कब से जानती हो। इसके बाद शो बताती है, यांग एक बार व्यापार के सिलसिले में उसके घर पर आया था और वहाँ पर ही उनकी मुलाकात हुई थी, और यांग ने शो को देखते ही पसंद कर लिया था, और उन्होंने शो को हाउसकीपिंग की जॉब ऑफर की, और बदले में शो ने भी हाँ कर दी। इसके बाद में शो भी यांग के घर पर आ गई, जहाँ उसकी मुलाकात यांग की पत्नी जेन से हुई, जिसने शो को घर के काम के बारे में समझा दिया, और इसके बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद शो की मुलाकात वहाँ दो और लड़कियों से होती है, पहली यांग की बहन जिसका नाम यानशी होता है, और दूसरी लड़की नैनी, जिसके ब्रेस्ट के साइज देख शो को भी हंसी आ जाती है। इसके बाद सीन कट होकर हम यांग और उसकी वाइफ जेन को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसकी आवाज शो सुन लेती है, और अब वो उन दोनों को चुपके देखने लगती है। तभी वहाँ यानशी भी आ जाती है, और वो भी शो को ज्वाइन कर उन दोनों को देखने लगती है, और अब यांग अपनी वाइफ को प्लेजर देने लगता है, जिसको देख यानशी एक्साइट होकर शो को टच करने लगती है, पर शो अचानक से चिल्ला उठती है, और जिसकी आवाज सुन यांग बाहर आ जाता है, पर शो और यानशी वहां से भाग निकलती है, पर यांग को शो का जूता मिल जाता है, और यांग उसे पहचान लेता है कि ये शो का जूता है। इसके बाद सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, और हम शो को देखते हैं, और शेक तंग शो को बोलता है, तुम वहाँ सिर्फ एक सर्वेंट थी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम मुझे सच सच बताओ। ये सुन शो बोलती है, यही सच है। ये सुन शेक तंग दोबारा शो को 50 डंडे बरसाने को बोलता है। ये सुन शो बोलती है, ऐसा ना करे, मैं सब सच बोलती हूँ। इसके बाद शो बोलती है, हाँ यांग मुझसे प्यार करते थे, पर हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। इसके बाद शो दोबारा अपनी कहानी सुनाने लगती है, और बताती है कि कुछ चोर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस आए थे, और मेरे माँ बाप से पैसे मांगने लगे थे, पर मेरे माँ बाप बोलते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं। तब वो चोर बोलते हैं कि हमने देखा है यांग ने तुम्हें 100 टील्स दिए हैं, पर वो उन चोरों को कुछ नहीं देते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद हमको शो को दिखाया जाता है, जो अपने माँ बाप के गम में रो रही होती हैं, पर तभी वहाँ यांग आकर शो को सांत्वना देते हुए बोलता है, ये सब मेरे दिए हुए 100 टील्स की वजह से हुआ है। और यांग अब शो के करीब आने लगता है, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हालांकि शो भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर आखिर में वो ये कहकर मना कर देती है कि हाल ही में मेरे माँ बाप की मौत हुई है। ये सुन यांग शो को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुन शो उससे बोलती है, मुझे इस सदमे से निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और वो यांग से एक साल का टाइम मांगती है, और अब यांग भी उससे बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां शो शेक तंग को बोलती है, ये सब सच है। इसके बाद शेक तंग बोलता है, मुझे ये कहानी अधूरी लगती है, पता लगाओ ये बात कितनी सच है। इसके बाद शो को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें शेक तंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शेक तंग के बेटे हॉय सिंह को देखते हैं, जिसे देख शेक तंग बोलता है, तुम मेरी माँ के घर में क्या कर रहे हो। इसके बाद हॉय सिंह बोलता है, मुझे आपको कुछ बोलना है, और आखिर में वो बोल देता है कि गोत्सु टाई मेरे वजह से मारा गया था। ये सुन शेक तंग उसे बहुत मारता है, और बोलता है, इसका मतलब यांग की पत्नी के साथ तुम्हारा ही संबंध है,
मैं तुमको मार डालूंगा। ये सुन हॉय सिंह अपनी दादी से मदद मांगता है और उसकी दादी उसका पक्ष लेते हुए बोलती है, अगर तुमने मेरे पोते को मारा तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद हॉय सिंह की दादी शेख तंग से उसकी जान की भीख मांगने लगती है और आखिर में शेख तंग बोलता है कि इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है, सारा इल्जाम यांग पे डाल दिया जाए। इसके बाद शेख तंग हॉय सिंह को सब कुछ सच बोलने को बोलता है। इसके बाद हॉय सिंह सब कुछ सच बोलने लगता है और हम देखते हैं कि यांग व्यापार के लिए बाहर जा रहा होता है और यांग की वाइफ बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। इसके बाद यांग शॉ के पास जाता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपनी बहन यांशी को शॉ का ख्याल रखने को बोलता है और अब वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही उसकी वाइफ अपनी सर्वेंट को बुलाकर एक लेटर देती है और बोलती है, इसको हॉय सिंह को दे देना, पर हाँ इस लेटर के बारे में किसी को पता नहीं चले। इसके बाद हम हॉय सिंह को देखते हैं जो एक बॉडी ट्रांसप्लांट क्लिनिक में वर्क करता है और हम देखते हैं कि वहाँ जेन की सर्वेंट आकर उसको लेटर देती है और उसमें जेन ने उसे जल्दी घर आने को बोला गया था और अब हॉय सिंह भी अपना काम छोड़ मिस्टर लाओ को ये बोलकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। इसके बाद हमको नैनी को दिखाया जाता है जो अपने ब्रास्ट साइड से बहुत परेशान होती है, इसलिए नैनी मिस्टर लाओ के क्लिनिक पर जाती है और नैनी अपना बेस्ट का ट्रीटमेंट करने लगती है। और दूसरी तरफ हॉय सिंह यांग की वाइफ जेन के साथ ब्रूटली इंटीमेट हो रहा होता है और उसकी चीखें शॉ सुन लेती है और यांग की वाइफ का राज खुल जाता है। इसके बाद यांग की वाइफ बोलती है, अगर इसने यांग को बोल दिया तो हमारा राज खुल जाएगा। इसके बाद हॉय सिंह बोलता है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं गॉट सू टाई को, जिसके साथ यांग की वाइफ जेन ने शॉ की शादी फिक्स कर दी थी ताकि वो आसानी से गुलछर्रे उड़ा सके। दूसरी तरफ नैनी सू टाई को देखकर बोलती है, इसकी वाइफ बहुत बदनसीब होगी क्योंकि इसका लिंग गधे जैसा है। ये सुन शॉ बोलती है, तुमने ये सब कब देखा। तब नैनी बोलती है, जब वो बाथरूम कर रहा था। तब ये सुन शॉ घबरा जाती है पर यांग की वाइफ जेन फिर भी शॉ की शादी गॉट सू टाई के साथ करवा देती है, पर सुहागरात के टाइम शॉ गॉट सू टाई को अपने पास नहीं आने देती है। हालांकि गॉट सू टाई इसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता हूँ, पर फिर भी शॉ गॉट सू टाई को वहाँ से भगा देती है। अब धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं और 5 दिन बाद यांग वापस अपने घर आता है और वहाँ पर आते ही उसे नैनी मिलती है और यांग नैनी से वो शॉ के बारे में पूछता है और नैनी उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उनकी वाइफ जेन ने गॉट सू टाई के साथ शॉ शादी करवा दी थी। ये सुनकर यांग को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इसके बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि एक नौकरानी इस घर की मालकिन बने। ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और वो बोलता है कि तुम गॉट सू टाई के बारे में सब कुछ जानती हो, वह कैसा है, उसके साथ कोई भी औरत नहीं रह सकती, इसके बावजूद भी तुमने शॉ की शादी उसके साथ करवा दी। और अब यांग उसे इतना मारता है कि उसके कपड़े तक पड़ जाते हैं। इसके बाद हम शॉ को देखते हैं जो मार्केट में जा रही होती है और सभी लोग उसे अजीबोगरीब नजरों से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यही गॉट सू टाई की पत्नी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और शॉ का रास्ता रोक लेता है और ये कोई और नहीं हॉय सिंह होता है और वो उसके साथ बहुत एडल्ट बातें करने लगता है। पर तभी वहाँ शॉ का पति गॉट सू टाई आ जाता है और वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। उस समय तो शॉ का पति हॉय सिंह को मार के उसे वहाँ से भगा देता है, पर इसके बाद हॉय सिंह इन दोनों के साथ बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद हम नैनी को देखते हैं जो अस्पताल में अपने ब्रेस्ट इंक्रीज का ऑपरेशन करवा रही होती है
पर तभी वहाँ पर नैनी को एक जला हुआ लेटर मिलता है, जिसको पढ़ के उसको पता चलता है कि ये यांग की वाइफ जेन ने लिखा है। ये देख वो इस लेटर को छुपा देती है। इसके बाद हम हॉय सिंह को देखते हैं, जो मार्केट में हुए अपमान का बदला लेने गौत सू चाई के घर में घुस कर शो के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और तब शो मदद के लिए चिल्लाती है, और शो की आवाज सुनकर शो का पति गौत सू चाई वहाँ आता है। पर इस बार हॉय सिंह गौत सू चाई पे भारी पड़ता है और वो गौत सू चाई को बहुत मारता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद हॉय सिंह और कुछ करता, शो जोर जोर से चीखती चिल्लाती है, जिससे हॉय सिंह वहाँ से भाग निकलता है। और अब इसके बाद हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेक्तन अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्जाम यांग पर डालने की कोशिश कर रहा होता है और उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश करता है, पर यांग इन सभी बातों से साफ मना कर देता है, और इस कारण शेक्तन यांग के साथ बहुत ही ब्रूटली बर्ताव करता है और उसको अपना गुनाह मनवाने के लिए उसे कांच के टुकड़े के ऊपर बिठाया जाता है, और बाद में उसे उन टुकड़ों के ऊपर चलाया जाता है, जिससे यांग को बहुत दर्द होता है। इसके बाद शेख तंग बोलता है, अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें और सजा नहीं दूंगा। ये सुनकर यांग बोलता है कि मैं कोई गुनाह कबूल नहीं करूंगा। ये सुन शेख तंग यांग को और टॉर्चर करता है और उसके हाथों के सारे नाखून खींच खींच कर निकालने लगता है। इसके बाद दोबारा शेख तंग उससे बोलता है, अब मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ। ये सुनकर यांग बोलता है, ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ, और वह आगे की कहानी बताता है। और हम देखते हैं कि यांग और शो आपस में बात कर रहे होते हैं, और सू चाई की हालत देखकर यांग बोलता है, इनको ठीक होने में कम से कम एक महीना और लगेगा। उसके बाद यांग शो को दवाई लिख कर देता है और बोलता है, तुम मेरे स्टोर से ये दवाई ले लेना। इसके बाद यांग शो को बोलता है, तुमने इस शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। तो शो बोलती है, ये सब मैंने आपके लिए किया था, क्योंकि मैडम जेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पर रहूं, और आपके लिए भी यही अच्छा था कि मैं वहाँ से चली जाऊं। ये सुन यांग बोलता है, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन शो बोलती है कि सू चाई भी मुझे बहुत अच्छा रखते हैं। ये सुन यांग बोलता है, तुम क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो, तुम सू चाई को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। ये सुन शो साफ मना कर देती है, पर यांग शो के करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं, इसलिए यांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेन को हॉय सिंह के साथ देखते हैं, जो यहाँ पर भी रोमांस कर रहे होते हैं, और अब शो भी यांग की बताए एड्रेस पर दवाई लेने आती है, और वहाँ शो को जेन देख लेती है, और जेन हॉय सिंह को बोलती है, ये हमारे अफेयर के बारे में जानती है और ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ये सुन हॉय सिंह बोलता है कि मैं इसकी द्वारा मांगी टैबलेट में हाई डोज की टैबलेट लिख देता हूँ, और जिससे सू चाई मारा जाएगा और सारा इल्जाम शो के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम दोबारा कोर्ट का सीन देखते हैं, और शेख तंग यांग की बोली सारी बातों को जुटलाते हुए शो से दोबारा पूछता है, तुम्हारा और यांग का आपस में क्या संबंध है। ये सुन शो बोलती है, मैंने पहले भी बोला था और अब फिर से बोलती हूँ, मेरा और यांग का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद शेख तंग फिर से उन दोनों को टॉर्चर करता है, पर शो दोबारा बोलती है, मेरा और यांग कोई संबंध नहीं है, मैं तो अभी तक वजन हूँ। ये सुनकर शेख तंग बोलता है, अगर तुम सच में वजन हो तो ठीक है, तुम्हारा वजनिटी टेस्ट किया जाएगा। और अब शो को दोबारा जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर दो मोटी प्रिजन गार्ड आती है और उसका बहुत ही ब्रूटली तरीके से वजन टेस्ट करती है, जिससे शो को बहुत दर्द होता है। इसके बाद वो अपना काम कर वहाँ से निकल जाती हैं, और शो दर्द से पड़ी पड़ी करहा रही होती है, तभी वहाँ शेख तंग आता है और शो को बोलता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकती हो, और मैं ये भी जानता हूँ
कि तुमने तुम्हारे पति का खून नहीं किया है। इसके बाद शैतान शॉ से बोलता है, अगर तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो मैं यान को नहीं मारूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। शॉ भी शैतान की बात मान लेती है। और अब हमको दोबारा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर बोलता है कि शॉ वजन नहीं है। ये सुनकर के शॉ को बहुत शॉक लगता है और वह बोलती है, ये रिपोर्ट गलत है। इसके बाद शैतान दोबारा यांग और शॉ को टॉर्चर करने लगता है और इस बार शॉ दर्द को सहन नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। पर उसे दोबारा होश में लाकर दोबारा टॉर्चर किया जाता है। पर तभी उसे शैतान की बात याद आती है और वो यांग के लिए अपना जुर्म कबूल कर लेती है, जो उसने किया भी नहीं था। और वो बोलती है, हाँ हमारे बीच में अफेयर था और यांग ने मुझे बोला था कि इसके अंदर जहर है। ये सभी बात सुनकर यांग शॉ को बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम जानती हो कि हम दोनों निर्दोष हैं। ये बात सुनकर शैतान यांग को टॉर्चर करने लगता है, पर वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। पर आखिर में वह भी अपनी हार मान लेता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद शैतान अपना फैसला सुनाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम्हारा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध था, इसी के चलते तुम दोनों ने मिलकर सूटाई को मार डाला और इस गुनाह के कारण तुम्हें अब मौत की सजा दी जाएगी। ये बात सुनकर के शॉ बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बोला था कि तुम यांग को नहीं मारोगे, पर अब उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और लाओ शैतान अपने बेटे होय सिंह को बड़ी आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम यांग और उसकी बहन यान शी को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यांग उसकी पत्नी जेन का ध्यान रखने के लिए अपनी बहन यान शी को बोल रहा होता है। ये सुन यान शी बोलती है, तुम्हारी पत्नी का अफेयर होय सिंह के साथ चल रहा है और उसी ने तुमको और शॉ को फंसाया है। इसके बाद यान शी यांग को डॉक्टर यांग के क्लिनिक से नैनी को मिला लेटर भी यांग को दिखाती है, जो नैनी को वहां पर मिला था। ये लेटर देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि यह सब कुछ किया उसकी पत्नी का ही है। इसके बाद यांग की बहन यान शी बोलती है, हम भी इस केस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। ये बात सुनकर यांग बोलता है, इस केस में लाओ शैतान भी इन्वॉल्व है और वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। इसके बाद यांग अपने दोस्त विंचुंग लंग के पास जाने को बोलता है और बोलता है, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद यांग की बहन यान शी नैनी के साथ जंगल में उनको ढूंढने चली जाती है। तभी वहां पर लाओ शैतान के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और अब यांग की बहन यान शी को वह लोग कपड़े उतारने पर मजबूर करते हैं और उसे ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। और अब वह लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर तभी यांग की दोस्त की पत्नी वहां पर आकर उसकी मदद करती है और उन लोगों को वहां से मार भगाती है। उसके बाद यान शी उन लोगों को सारी कहानी बताती है और अब वो लोग यान शी और नैनी को शहर की राजधानी भेज देते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज का काफिला आने वाला होता है। तभी कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का काफिला वहां से निकलता है और यान शी उन लोगों के सामने यांग के केस की दोबारा सुनवाई के लिए मांग करती है। पहले तो वो लोग उसे नहीं सुनते हैं और उसे रास्ते से हटा दिया जाता है, पर यांग की बहन यान शी हार नहीं मानती है और बार बार न्याय की गुहार लगाती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जज बाहर आता है और उसकी मांग को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम जूरी मेंबर्स को देखते हैं, जिसके सामने यांग की बहन यान शी होती हैं और वो लोग बोलते हैं, अगर तुम सच कह रही हो कि तुम्हारे भाई यांग को फंसाया गया है तो तुम्हें साबित करना होगा, तुम्हें न्यूड होकर इन नुकीले बैड के ऊपर रोलिंग होकर अपनी बात को साबित करना होगा। इसके बाद वो ये काम कर देती है और आखिर में जूरी मेंबर्स को भी लगता है शायद यांग बेकसूर है। इसके बाद इस केस को रीओपन किया जाता है और दोबारा इस केस की सुनवाई की जाती है।
दूसरी तरफ हम शॉ और यांग को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और अब यांग शॉ को बोलता है, तुमने जज के सामने झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया जो हमने किया ही नहीं? ये सुन शॉ बोलती है कि मैं आपको दर्द में नहीं देख पाई, और मुझे लाओ शेक तंग ने वादा किया था कि वो तुम्हें मौत की सजा नहीं सुनाएगा, पर उसने मुझे धोखा दिया, मुझे माफ कर देना। ये सुन यांग बोलता है कि ये सब उसने उसके बेटे होय सिंह के लिए किया है। ये सुन शॉ बोलती है, आपको पता है और आपकी पत्नी जेन और होय सिंह का अफेयर है। तो यांग बोलता है, हाँ मुझे भी ये पता है। और अब शॉ यांग को बोलती है कि जब मैं दवाई लेने स्टोर में गई थी, तब मैंने वहाँ होय सिंह और तुम्हारी पत्नी जेन को दिखा था, और जरूर उन्होंने ही दवाई में फेर बदल की थी, इस वजह से गौत सू टाई की मौत हुई। और हम देख पाते हैं कि बाहर से सुप्रीम कोर्ट का जज उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जाने और होय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है, और उन्हें पूछा जाता है कि यह तुम्हारा आपस में नाजायज संबंध है, तो जेन साफ मना कर देती है। इसके बाद जज उनसे बोलता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने फोर्स करके शॉ की शादी गौत सू टाई के साथ क्यों कर दी, और साथ ही यांग के द्वारा लिखी दवाई की नकल की और गलत दवाई लिखी ताकि गौत सू टाई मारा जाए, मुझे सच सच बताओ। इसके बाद जेन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जज शॉ से पूछता है, तो शॉ बोलती है क्योंकि जेन को डर था मैं उनके अफेयर के बारे में यांग को बोल दूंगी, इसलिए। पर जेन दोबारा इस बात से इनकार कर देती है। पर जज इसके बाद होय सिंह को वो लेटर दिखाते हैं जो नैनी को क्लिनिक से मिला था, और बोलते हैं, क्या तुमने इस लेटर को पढ़ा? इस पर होय सिंह बोलता है, मैंने ये लव लेटर नहीं पढ़ा। इस पर जज बोलता है, जब तुमने ये लेटर पढ़ा ही नहीं तो तुमको कैसे पता ये लव लेटर है? ये सुन होय सिंह बोलता है, मैंने अंदाजा लगाया। इसके बाद जज बोलता है, इस दवाई के लेटर पर और इस लेटर की लिखाई समान है। ये सुन दोनों घबरा जाते हैं। ये देख होय सिंह का पिता लाओ शेक तंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर जूरी मेंबर्स उसे रोकते हुए बोलते हैं, आज आप न्यायाधीश नहीं हो और आपको समान रूप से न्याय करना चाहिए था। इसके बाद होय सिंह और जेन को टॉर्चर करके पूछा जाता है, और होय सिंह दर्द के मारे अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है, उसने कैसे ये सब किया। इसके बाद हम शॉ और गौत सू टाई को देखते हैं, और शॉ गलती से गौत सू टाई को गलत दवाई दे देती है, जिससे वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और इसलिए वो खुद शॉ को उसे बांधने को बोलता है। इसलिए शॉ उसको बांध देती है, और लोगों को लगा कि शॉ ने अपनी पति का कत्ल किया, पर सच्चाई तो ये थी कि दवाई की साइड इफेक्ट्स की वजह से गौत सू टाई मारा गया था। और अब होय सिंह अपना गुनाह कबूल कर ये भी बोल देता है कि जेन के साथ उनका फिजिकल अफेयर है। इसके बाद सारा सच सामने आ जाता है, और कोर्ट शॉ और यांग को बेगुनाह साबित कर उन्हें रिहा कर देती है, और पुराने जज लाओ शेक तंग को उसकी पोस्ट से निर्वासित कर दिया जाता है, और जेन और होय सिंह को उन दोनों को सजा सुनाई जाती है। साथ ही जेन को लकड़ी के गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाने की भी सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उन्हें उनकी किए की सजा सुना दी जाती है, और आखिर में जेन को लड़की के गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है, और होय सिंह और जेन को अपनी किए की सजा मिल जाती है। और दूसरी तरफ शॉ और यांग एक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये मूवी पसंद आई और आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई हर मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।